सो नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2018, जिसका सिक्स टू अमेंड आईपीसी, सीआरपीसी, द एन एविडेंस एक्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पोस्को एक्ट, जिसको अमेंड किया जाएगा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल को 2018 में आईपीसी के माध्यम से, सीआरपीसी, द एविडेंस एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ पोस्को एक्ट, उसके अंदर सब ने अमेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड का मैं प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया है टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोविजन ऑफ क्राइम्स, जो क्राइम होते हैं न्यूली, तो उसको भी देखा जाएगा, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोविजन ऑफ क्राइम्स, पनिशमेंट ऑफ डेथ, यहाँ पर डेथ का पनिशमेंट भी दिया जाएगा क्राइम करने के, जो 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 क्राइम करेगा, द न्यू पनिशमेंट रेप, जहाँ पर रेप के लिए प्रावधान है 12 ईयर जेल हो सकते हैं और 20 ईयर तक, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और मध्य प्रदेश पास्ट किया है इस बिल को, प्रोवाइडिंग डेथ पेनल्टी, डेथ भी देंगे अगर गैंग रेप कर रहे हैं, तो उसमें 12 ईयर 12 ईयर का लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, बिलो 16 ईयर गैंग रेप, बिलो 12 ईयर, ओके, एंड गैंग रेप बिलो 16 ईयर इट इज 20 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड गैंग रेप इट इज बिलो 16 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड यहाँ पर रेप वुमन बिलो 10 ईयर इट इज फ्रॉम 7 ईयर। सो हमने देखा इसका प्रावधान क्या क्या है, तो कौन सी केस में कौन सी साझा होगा, तो उसके बारे में अब देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, तो इट इज ए स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसके लॉन्च किया गया है 2013 में, जिसका जो एम है, एम टू प्रोवाइड एट प्रोवाइडिंग करेगा स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर फंक्शन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ओके, तो फंडिंग दिया जाएगा, मतलब टाका पैसा दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा। तो जहाँ पर फंडिंग कौन कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट, तो जहाँ पर सेंटर 60 देंगे और स्टेट देंगे 40, और स्पेशल कैटेगरी जो स्टेट्स होगा उसको 90% सेंट्रली होगा और 10% स्टेट फंड करेगा, और 100:0 सेंट्रल करेगा 100% यूनाइटेड यूनियन टेरिटरीज को। अच्छा, तो नीति आयोग आइडेंटिफाई किया है 117 डिस्ट्रिक्ट को एज ए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर रूसा के लिए चुना गया है 117 डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ पर एकेडमिक अलायंस प्रोग्राम, जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको भी लॉन्च किया गया है, लॉन्च बाय स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, तो एक अदर्स जो है, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है, तो एकेडमिक अलायंस प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, जिसका एम क्या है, टू रिड्यूस गैप बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, जिसका जो लक्ष्य है, जो गैप है ना साइंटिफिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर, तो उसको उस गैप को एफिशिएंसी कराना है अच्छे से, एंड इम्प्रूव किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा पार्टनरशिप ऑफ रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी को, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन को, तो इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इसके अंदर जो स्टार्टअप एकेडमिक अलायंस प्रोग्राम जो स्टार्टअप इंडिया ने लॉन्च किया है, साइंटिफिक रिसर्च होगा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का पर, जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का और रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा, और TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो थैंक यू।